बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। YouTube के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुश आमदीद। नाज़रीन करामी, आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जारी जंग ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। तुर्की ने यूनान के वजीर खारजा का तैयारा रोक लिया, जिसके बाद यूनान ने तुर्की के खिलाफ सख्त रद्द अमल भी दिया। बहिरे रोम में जंग के शोले बुलंद होने लगे हैं। तुर्की ने खत्ते में अपनी बालादस्ती को बरकरार रखा हुआ है। इन्फो इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामीन इकराम, तुर्की ने यूनान के वजीर खारजा का जहाज़ अपनी फिजाई हदूद में रोक लिया। खबरों के मुताबिक यूनान के वजीर खारजा इराक के दौरे से वापस आ रहे थे। दूसरी जानिब जहाज के पायलट ने बताया कि तुर्की की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त उसके पास पहले से थी। तुर्की के बढ़ते हुए सख्त रवैये ने फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को इश्तआल दिला दिया है। इसके अलावा बहरे रूम में तेल और गैस के बड़े पैमाने पर ज़खायर निकलने से तुर्की भी मुतहरक हो गया है। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि तुर्की ने अपने शिप्स तेल और गैस के ज़खायर की तलाश में रवाना कर दिए हैं और उनकी हिफाजत के लिए तुर्की की नेवी के दो बहरी जहाज़ भी मौजूद हैं। तुर्की के जहाज़ मुतनाज़िया पानियों तक पहुँच चुके हैं। खित्ते के बहुत से ममालिक उन पानियों पर अपनी दावेदारी भी करते हैं, जबकि जर्मनी की जानिब से तुर्की को कहा गया कि तुर्की को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। इसके अलावा तुर्की के अपने हमसाए ममालिक से भी ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, जिनमें सीरिया, आर्मेनिया, ईरान, मिस्र, यूनान और यूरोप के बहुत से ममालिक शामिल हैं। उसके बावजूद तुर्की ने खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखी हुई है। तुर्की ने बहुत कोशिश की कि तुर्की भी यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन बन जाए, लेकिन अब तैयब अर्दोगान को यकीन हो चला है कि तुर्की चूँकि मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क है, इसलिए तुर्की को यूरोप में वो अहमियत हासिल नहीं होगी जो बाकी यूरोपीय ममालिक को हासिल है। इसी वजह से अब तैयब अर्दोगान का झुकाव मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करने की तरफ है, जिसका सबसे बड़ा सबूत आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जंग में तुर्की का आज़रबाईजान की हिमायत करना है। चाहे दूसरी तरफ पूरा यूरोप और रूस भी आ जाए, तुर्की फिर भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटेगा। तुर्की यूरोप और एशिया में मौजूद एक अहम तरीन मुल्क है। जुग्राफियाई लिहाज से तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। इन्फो इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।